निकालने की शुरुआत की जा रही है। बड़ी संख्या में जोगी के समर्थक जुटे हुए हैं। अजीत जोगी को अंतिम विदाई देने के लिए उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिलासपुर यहां से उन्हें ले जाया जा रहा है। मरवाही सदन में पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 बजे गौरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें रायपुर के सागौन बंगले से दिखा रहे हैं, जहां जोगी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। अजीत जोगी की पार्थिव देह इस अंतिम यात्रा के दौरान अलग अलग रास्तों से गुजरेगी। बिलासपुर तक ले जाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन के लिए मरवाही सदन में उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। उसके बाद 250 किलोमीटर दूर गौरेला में उनके गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कल रायपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर्स की तमाम कोशिश फिर नाकाम रही। कल करीब दोपहर 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। गौरेला में 3 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें रायपुर के सिविल लाइंस इलाके के सागौन बंगले की है, जहां भीड़ वाला ही मेरा है। समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है और अजीत जोगी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। पुराना वाला है। हर्षक भाई, जीवटता की पराकाष्ठा, अगर इसकी संज्ञा दी जाए तो जोगी को इसकी संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा वो जीवन में जीवटता का परिचय देते आए, अदम्य साहस का परिचय देते आए, आत्मविश्वास के परिचायक के तौर पर उनका व्यक्तित्व हमेशा से पहचाना जाता रहा है। पेंड्रा गौरेला से प्राथमिक शिक्षा और स्कूल की शिक्षा करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट अभिषेक भाई, जिसने यूपीएससी की तैयारी की। और ये इत्तेफाक कहें कि यूपीएससी में आईपीएस बनने के महज 1.5 साल बाद वो आईएएस बने। सर्वाधिक समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है और बेहद कुशल प्रशासक। बहुत से किस्से अजीत जोगी के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो आम जनता की एक लोकप्रियता की बानगी बनकर आज हम सबके बीच है। उनके किस्से आज हम पढ़ और सुन रहे हैं। जनता के प्यारे जोगी, जैसा कि लोग कहा करते थे, एक मास लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही। दोपहर 3 बजे गौरेला में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्टार जैन जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्टार, यहाँ से अब रवानगी शुरू होने वाली है, क्या कॉरिडोर रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ से बिलासपुर पहुँचने तक की? देखिए, रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है पुलिस द्वारा, जो उनको संगर के पास नदी मोड़ है वहाँ तक, नामघाट के पास जो मोड़ है वहाँ तक रायपुर पुलिस ले गई है, जिसके आगे का मोड़ का फिर बिलासपुर जिला संभालेगी। यहाँ और ये ग्रीन कॉरिडोर दोनों जिलों में बनाया गया है। रायपुर से देखिए बिलासपुर जिला संभालेगी यहाँ और ये ग्रीन कॉरिडोर दोनों जिलों में बनाया गया है। रायपुर से देखिए उनके जो समर्थक हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर है। हालांकि व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का। अजीत जोगी जो जन नेता हैं,
इतनी उनकी लोकप्रियता थी कि छोटे से छोटा आज मतलब यहाँ क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस या क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ या दूसरे निर्दलीय तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बड़े नेता यहाँ मौजूद दिखाई दिए हैं। और ये देख सकते हैं कि सागौन बंगले से उनका जो शव है, पार्थिव शरीर, वो ले जाया जा रहा है, यहाँ से सागौन बंगले से निकल गया है। और बिलासपुर में उनका जो मरवाही सदन है वहाँ पर कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ से वो गोरेला के लिए रवाना किया जाएगा। गोरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा 3 बजे के लगभग। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ स्टार। तो ये उनकी पार्थिव देह रवाना हो चुकी है बिलासपुर के लिए, जहाँ मरवाही सदन में उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। जोगी समर्थक और जितने भी प्रशंसक हैं वो पहुंचे हुए हैं सागौन बंगले की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जोगी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। बिलासपुर में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ, ऐसी बात पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक कुशल प्रशासक बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर के सिविल लाइंस का ये सागौन बंगला जो साक्षी रहा जोगी के कई किस्सों का, कई कहानियों का, यहां से जोगी अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। बेहद भावुक ये पल है उन तमाम प्रशंसकों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो मास लीडर के तौर पर जोगी को हमेशा अपनाती रही। एक लंबा कार्यकाल राजनीति में अजीत जोगी का रहा। अपनी कर्म भूमि उन्होंने छत्तीसगढ़ को राजनीति में प्रवेश करने के बाद बनाया और उसके पहले भी वो छत्तीसगढ़ से हमेशा जुड़े रहे थे। रायपुर कलेक्टर के दौरान मध्य प्रदेश में लंबे समय तक सीधी, शहडोल और इंदौर के कलेक्टर रहे। सबसे ज्यादा लंबे समय तक वो इंदौर के कलेक्टर रहे। तो मध्य प्रदेश से जुड़ी उनकी यादें भी, और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं आज उन्हें याद कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों के जरिए, सोशल मीडिया में उनके कलेक्टर रहने के दौरान की यादें जो पुराने लोग हैं वो याद कर रहे हैं। और सागौन बंगले से उनकी अंतिम यात्रा निकली है। बड़ी संख्या में समर्थक आए हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है। इस बीच कल से लेकर अभी तक लगातार उनके पुत्र अमित जोगी ने यह ट्वीट किया है कि जोगी परिवार इस कोरोना के संकट में लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहा है। तो जितने भी लोग आएंगे या अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं उनसे यही अपील और सादर निवेदन अमित जोगी ने किया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सारे नियमों का पालन करें और इसके साथ अंतिम विदाई अजीत जोगी को दी जाए। सागौन बंगले से उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा जब उनकी पार्थिव देह बिलासपुर पहुंचेगी। मरवाही सदन के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए बकायदा मार्किंग की गई है। वहां बारी बारी से लोग आकर जोगी का अंतिम दर्शन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की अंतिम यात्रा उनके रायपुर के निवास सागौन बंगले से निकल चुकी है और अंतिम बार रायपुर को भी अलविदा कह गए हैं अजीत जोगी। पूरी दुनिया को अलविदा कह गए हैं अजीत जोगी। बिलासपुर में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। इस बीच लगातार अमित जोगी यही अपील कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से ट्वीट करके वो अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग पहुंचेंगे अजीत जोगी के दर्शन के लिए या उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जोगी परिवार इस कोरोना के संकट के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करता आया है। तो आज भी अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वक्त की जरूरत को देखते हुए किया जाए।
सियासी सफर पर अगर नजर डालें तो एक फोन कॉल ने राजीव गांधी के, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक ब्यूरोक्रेट से राजनेता बनने का सफर एक रात का सफर था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत के मुखिया बने, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। और कल जो नजारा देखा गया, कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता अस्पताल से लेकर सागौन बंगले तक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पेट स्कैन के लिए संपर्क करें। ओकाया लिथियम प्लस बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और गोयल TMT आपके घर को दे लंबी उम्र। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब हो जुबा पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबा केसरी। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। ए, ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर, इनो जियो लाइफ नॉनस्टॉप। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, बिना काम के घर से बाहर ना निकले। इसके साथ में जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकले, और जब भी घर से हम बाहर से जब भी आते हैं तो हाथ धो करके सैनिटाइज से या सिंपल हैंड वॉश से हाथ धो कर करके। इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना अभी एक दो महीने के लिए लंबा चलने वाला है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, तो सभी का अपील भी रहेगा कि एक छोटा सा डायरी मेंटेन, और जिससे भी आप मिलते हैं उस व्यक्ति का नाम पता लिखिए और डेट वाइज लिखिए, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हम बोलते हैं वो आपके पास रहेगा। तो कभी ऐसा कोरोना से संदिग्ध या इस टाइप का अगर बनता है तो उसका एक हिस्ट्री हमको पता चले। कोरोना से आप बचाव के लिए वही सोशल डिस्टेंस का मास्क लगा करके और हैंड वॉश करते हुए पालन करें। इसके लिए हमने पूरे जिला कार्यालय में जो हमारे मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं या हमारे जो श्रमिक हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पालन करने के लिए हम अपील भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। और इसका जिले में जिला पंचायत कार्यालय और आपको पूरा ग्रामीण विकास का इसका पालन भी किया जाए। मजदूर समाज का वो वर्ग है जिसके श्रम से ही राष्ट्र को प्रगति की राह मिलती है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संक्रमण काल में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहर गए मजदूर मध्य प्रदेश लौट आए हैं। इन मजदूरों को मध्य प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रम सिद्धि अभियान प्रारंभ किया गया है। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए, कोई बेरोजगार ना रहे, हर एक को राशन देंगे, कोई भूखा ना सोए। और मेरे सरपंच भाइयों बहनों, ये सारे प्रवासी मजदूर भी मैं संबल योजना में शामिल कर रहा हूँ। इस अभियान में घर घर सर्वे कर मजदूर परिवारों को मनरेगा योजना से जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। मनरेगा के माध्यम से 20 अप्रैल 2020 से अब तक 35 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही अप्रैल माह से अब तक कुल 1,111 करोड़ रुपए का भुगतान मजदूरों को किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन कार्य मुहैया कराया जा रहा है, जो प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है। आगे भी हर मजदूर को उनकी कुशलता और योग्यता के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। संकट की इस घड़ी में भी मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। अब प्रदेश में कोई मजदूर
मजबूर नहीं होगा। श्रम सिद्धि की ओर, श्रम सिद्धि अभियान। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री की अंतिम यात्रा सागौन बंगले से निकल चुकी है, रायपुर से निकल चुकी है और बिलासपुर के लिए रवाना हो गई है, जहां बिलासपुर के मरवाही सदन में उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। बड़ी संख्या में जोगी समर्थक सागौन बंगले में, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जब अंतिम यात्रा के लिए उनकी पार्थिव देह गाड़ी में रखी गई। सागौन बंगले में समर्थक जुटे, बड़ी संख्या में लोगों ने नारे भी लगाए कि अजीत जोगी अमर रहे। उनकी पार्थिव देह को इस शव विमान में, माफ कीजिएगा, गाड़ी में रखा गया और उसके बाद वो बिलासपुर के लिए रवाना किए गए हैं। दोपहर 3 बजे गौरिल्ला में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नारे लग रहे हैं, संतों पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। घड़ी चौक के पास अंतिम यात्रा पहुंची है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके समर्थक जहां जहां ये अंतिम यात्रा पहुंच रही है, वहां वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भावुकी पल है जहां समर्थक भावुक भी हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे गौरिल्ला मां उनका अंतिम संस्कार होगा। कलेक्ट्रेट के पास उनकी अंतिम यात्रा पहुंची है, रायपुर कलेक्ट्रेट के पास की तस्वीरें हैं जहां उनकी अंतिम यात्रा पहुंची। उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील उनके पुत्र अमित जोगी ने की है। मरवाही सदन उनकी पार्थिव देह ले जाई जा रही है, जहां से गौरिल्ला के लिए ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के बाद, फिर राज्य की सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके पुत्र अमित जोगी, और ये पल बेहद भावुक करने वाला है। अजीत जोगी की पत्नी और कोटा से विधायक रेणु जोगी भी उनके पार्थिव देह के पास में हैं। बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हुए हैं। बिलासपुर अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है, ये अंतिम यात्रा निकली हुई है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर के पास श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हुए। अजीत जोगी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए भी उन्होंने कई आवाजें उठाई और आंदोलन में भी कई जगह सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 3 साल का उनका कार्यकाल, कई बड़े फैसले लिए, केंद्र से भी कई बार विरोधी तौर पर मोर्चा खोला और छत्तीसगढ़ के हक के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, इसलिए आज उन्हें एक कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जा रहा है। रुक रहे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हेलो, और गिरधारी भैया,
कहाँ हो? बढ़िया भैया, मंडी में आए थे फसल बेचने। और तुमने इस बार कैसे बेची फसल? अरे हमने तो घर बैठे ही बेच दी सौदा पत्रक के माध्यम से। हाँ यार भैया, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था करी अपनी सरकार ने। जी हाँ, जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण काल से गुजर रहा था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसानों के लिए उपज बेचने के अनेक विकल्प खोल दिए हैं। कृषकों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुरक्षा कवच तो है ही, साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने के लिए अब सरकारी मंडी के अलावा निजी मंडी सबयार्ड, डायरेक्ट क्रय केंद्र, ई ट्रेडिंग और सौदा पत्रक के माध्यम से किसान सीधे व्यापारियों को उपज बेच सकेंगे। इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए मंडी समितियों के लिए उपविधियों में संशोधन किए गए हैं, जिसमें निजी क्रय केंद्रों के लाइसेंस संबंधित नियमों को सरल कर दिया गया है। इसी के साथ क्रय विक्रय की व्यवस्था को और सुलभ बनाने के लिए मंडी अधिनियम में भी संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसान के उपज की खरीद के नए रास्ते खोलने के लिए निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना की जा रही है। क्रय विक्रय की प्रक्रिया आसान हो सके उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति मिल सकेगी। व्यापारी निश्चिंत होकर राज्य के किसी भी कोने में खरीदी कर सकें, इसके लिए एकीकृत व्यापार लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। आवश्यक सुविधाओं की सरल उपलब्धता के लिए संचालक कृषि विपणन की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कार्यों के सुगम संचालन के लिए संचालक के अधिकारों में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी फैसला किया है, हमने अपना मॉडल मंडी एक्ट बनाया है। इससे व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को पूरे देश में ई ट्रेडिंग के माध्यम से अच्छे रेट मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को प्रतिस्पर्धी रेट मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को निश्चित ही उनकी मेहनत का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा और उन्हें फसल बेचने में आने वाली कठिनाइयों से निजात मिलेगी। मुस्कुराता किसान, मध्य प्रदेश की पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको देश भर में कोरोना के मामलों की जानकारी दे देते हैं। देश में कोरोना संक्रमित 1,73,491 हो गए हैं और अब तक 82,627 कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना से 4,980 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 62,228 संक्रमित हुए हैं, 2,098 की मौत हो गई है। तमिलनाडु में संक्रमण के मामले 20,240 है, 157 की मौत अब तक हुई है। गुजरात की अगर बात करें तो 15,944 संक्रमण के मामले हैं, 980 की मौत हुई है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है संक्रमण के मामलों में। तमिलनाडु में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में संक्रमण के मामले 17,386 पहुंच चुके हैं, 398 की अब तक मौत हुई है। राजस्थान में संक्रमण के मामले 8,365 है, 172 की मौत हो चुकी है। यूपी में 6,724 संक्रमण के केसेस हैं, अब तक 184 की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,330 केसेस हैं, 60 की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 4,813 मरीज संक्रमित हैं, 302 की मौत हुई है। बिहार में कोरोना मरीज 3,359 पहुंच चुके हैं, 15 की मौत अब तक हो चुकी है। विश्व में 60,26,248 कोरोना संक्रमित हैं। विश्व में अब तक 3,66,415 की मौत हो गई है। अमेरिका में 17,93,000 कोरोना संक्रमित हैं। रूस में कोरोना मामले 3,87,000 के पार पहुंच चुके हैं। इटली में कोरोना संक्रमण के केसेस 2,32,000 हैं, 248। स्पेन में 2,85,644 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,800 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 7,821 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक 331 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, जबकि 4,289 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना हॉटस्पॉट बने इंदौर में संक्रमितों की संख्या 3,344 हो गई है।
इंदौर में अब तक कुल 126 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 1673 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां संक्रमितों की कुल संख्या 1471 हो गई, जबकि 899 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का केस है। यहां अब तक 660 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 55 मरीज की मौत हुई है, जबकि 318 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। नीमच में भी पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है, यहां अब तक 198 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सागर में भी संक्रमण के 165 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बुरहानपुर में 293, खंडवा में 239 और जबलपुर में 229 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। रायपुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद बीरगांव और उरला को तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इलाके में स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने अधिकारियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य टीमों का गठन कर तुरंत एक्टिव सर्विलांस शुरू करने को कहा है। बता दें कि मृतक उरला स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था और रायपुर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां मृत्यु के बाद उसका स्वाब सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। धमतरी जिले के साकरा गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे एक शिक्षक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने शिक्षक खमन सिंह ध्रुव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खमन सिंह रिसगांव के स्कूल में शिक्षक थे, जो 4 दिन पहले बंजारी रायपुर से साकरा आया था। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मिलने पर उसे होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी थी। पुलिस के मुताबिक मृतक शराब पीने का आदी था, पर पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी बात सामने आने की बात पुलिस ने कही है। शिक्षक पूर्व में, क्योंकि अभी वर्तमान में वो ड्यूटी में नहीं था, उनको रिटायर किया और जिस समय टीम वहां पहुंची थी वो काफी नशे में भी था। इसके बाद सुबह यह सूचना मिली कि व्यक्ति वहां पे मृत पाया गया है। गांव वालों ने ही इस बात की सूचना दी और पुलिस ने इसका पंचनामा किया है और शीघ्र इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। गर्भवती महिला की मौत की खबर को आईबीसी 24 में प्रमुखता से दिखाया गया था। कलेक्टर यशवंत कुमार ने क्वारंटाइन सेंटर की गर्भवती महिलाओं को सुविधा देने की मंशा से जिला मुख्यालय जांजगीर में 3 भवनों को चिन्हित किया है, जहां 130 गर्भवती महिलाओं को रखा जा सकेगा। यहां महिलाओं को सुविधा दी जाएगी। बता दें कि जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के मामले में डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहिए आईबीसी 24। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय आर्क एंड पार्क क्लिनिक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़। अगर आपको है गठियाबाद तो हमसे करें बात। होराइजन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सभी प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, रायपुर। ओम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बर्न, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रॉमा केयर। 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, रायपुरा चौक, रायपुर। आहूजा अगरबत्ती, मेरे घर आंगन को महकाए, मेरे जीवन में खुशबू लाए। डिपार्टमेंट ऑफ गेस्ट्रो एंटेरोलॉजी, सुयश हॉस्पिटल, कोटा, गुनहारी रोड, रायपुर। और NHMMI कैंसर केयर हॉस्पिटल, हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर हेल्थ। कोरोना के साथ और इसके बाद कैसे और कितनी बदलेगी जिंदगी, और कैसे सबर, खबर, नजर और जिगर के साथ इस ब्रांड न्यू लाइफ की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। जानिए मोटिवेशनल गुरु विजय बत्रा के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म IBC 24 ई महामंच पर। देखिए आज शाम 4 बजे। राष्ट्रहित में 31 मई तक घर पर रहिए। IBC 24 से सम्मान पाइए। घर पर रहकर अलग अलग काम कीजिए और हमें भेजिए उसका वीडियो। हमें भेजिए अपना गाया हुआ सॉन्ग, आपकी बनाई पेंटिंग, आपका डांस वीडियो, आपकी लिखी हुई कविता, जिसे देखेंगे सब IBC 24 पर। और साथ ही हम आपको देंगे IBC 24 सम्मान। अपना कंटेंट हमें व्हाट्सएप कीजिए 9630811128 पर। सह प्रायोजक सिंघानिया बिल्डकॉन। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भारत जगमग जगमग चमके बा।
द चैनल IBC 24, अब और भी तेज और भी अपडेटेड। हर दो घंटे में सुपर फास्ट बुलेटिन, हर बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबरें देखें फास्ट मोड में, सबसे तेज अपडेट, घंटों की खबरें मिनटों में, तो देखते रहिए IBC 24। लॉकडाउन में करें उनके लिए कुछ खास जो हमेशा है आपके साथ, करें उनको इम्प्रेस, दिखाए अपनी कुकिंग स्किल्स, लाइफ टेस्टी है लॉकडाउन विद फैमिली में। हमें भेजिए अपनी बनाई रेसिपीज का वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9630081128 पर। लॉकडाउन में भी लाइफ टेस्टी है इन एसोसिएशन विद सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। आज गौरेला में होगा पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार। सीएम भूपेश, सिंहदेव, रमन सिंह समेत कई नेताओं में शामिल। अमित जोगी ने की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। नारायणपुर के अमदई घाटी कैंप में सीएएफ जवानों के बीच झड़प, फायरिंग में दो जवानों की मौत, एक घायल, आरोपी जवान गिरफ्तार। देश में कोरोना के आंकड़ों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 7,964 नए केस मिले, 265 लोगों की मौत, 82,000 से ज्यादा मरीज ठीक। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 89 नए केस, 3 की मौत, भोपाल में कोरोना के आधे से ज्यादा मरीज ठीक। इधर रायपुर में कोरोना से मौत के बाद बिरगांव और उर्ला कंटेनमेंट जोन घोषित। मिल योजना के तहत आज हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे सीएम शिवराज, कोरोना की तैयारियों की करेंगे समीक्षा और कृषि फसल बीमा योजना को लेकर करेंगे बैठक। और अंबिकापुर में अनियंत्रित होकर पलटा डीजल टैंकर, लोगों में लूटने की मची हो, पुलिस ने सभी को बताया। Headline is brought to you by Goyal TMT. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24, मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं है। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 20 दिनों बाद कल दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। आज उनका अंतिम संस्कार गौरेला में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पार्थिव देह रायपुर में सागौन बंगले से बिलासपुर के लिए रवाना हो चुकी है, जहां बिलासपुर में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा। लगभग 2 बजे के आसपास उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, अंतिम संस्कार में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश के तमाम मंत्री, राजनीतिक दलों के नेता और जोगी के चाहने वाले शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को रायपुर के अस्पताल में निधन हो गया। सुबह अचानक पूरे दिन का दौरा पड़ा, डॉक्टर्स की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। करीब 3 बजे के आसपास, 3:30 के आसपास उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो आज गौरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दर्शन के लिए अजीत जोगी का शरीर सिविल लाइन्स स्थित निवास में रखा गया, जहां कई सियासी चेहरे भी पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए कि उनका पार्थिव देह अब बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। बिलासपुर के बाद गौरेला उनके पार्थिव देह को ले जाया जाएगा।
जहां जोगीसार में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो उनके निधन के बाद संवेदना व्यक्त करने का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजीत जोगी के निधन पर दुख प्रकट किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी शासकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें, जोगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज किया जाएगा। बिलासपुर के लिए उनके पार्थिव देह को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें, अजीत जोगी को बीते 9 मई को अस्पताल लाया गया था। तब से उन्हें 3 बार दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में जब जोगी लाए गए थे तब डॉक्टर्स ने कहा था कि इमली बीज गले में अटकने की वजह से परेशानी बढ़ी। आपको बता दें, जोगी 20 दिनों से कोमा में थे और उन्हें बचाने की कोशिश में डॉक्टर पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे। अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2000, तारीख 31 अक्टूबर, जगह राजभवन रायपुर। नए अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता ये शख्स है अजीत जोगी, जिसके जीवन का हर पल चुनौतियों से भरा रहा, जिसने मुश्किल को मात दी। एक जनप्रिय नेता होने के पहले वो एक कुशल प्रशासनिक अफसर रहे। बोलने की कला ऐसी कि सुनने वाले का मन मोह ले, भाषा ऐसी कि पल भर में अपना बना ले, तर्क ऐसे कि अच्छे अच्छों को पानी पिला दे, धारा प्रवाह निकलती हिंदी हो या ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज। या फिर फ्लुएंट इंग्लिश। लुक एट द क्राउड्स, लुक एट द लाइंस। ये कहना गलत ना होगा कि उनके जैसी शैली, उनके जैसा अंदाज बयान प्रदेश क्या देश में किसी राजनेता का नहीं रहा। जोगी ने अपनी कामयाबी के साथ साथ नाकामयाबियों को भी धैर्य से जिया। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और धारक के विपरीत तैरने का जो जज्बा अजीत जोगी को दूसरे नेताओं से अलग बनाता है, और यही शब्द अजीत जोगी के व्यक्तित्व की पहचान थे। कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद से उनका रायपुर और छत्तीसगढ़ आना होता था, और उस समय कलेक्टर के बाद जब वो राजनेता बने और उसके बाद वे लगातार जनप्रिय लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे। इंदौर में 1985 में अजीत जोगी कलेक्टर थे। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली और बेबाक बयानबाजी के कारण वे हमेशा चर्चित रहे। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट, बहुत सी बातें, बहुत सी यादें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ जुड़ी रही हैं। कलेक्टर रहते और राजनेता रहते उनके जीवन के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो आज उनके जाने के बाद लोग याद कर रहे हैं। तो आज उनका अंतिम संस्कार बड़े राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद डॉक्टरों की कोशिश नाकाम रही और आखिरकार 3:30 के आसपास
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। 20 दिनों से कोमा में थे। 9 मई को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनका, उनके पार्थिव देह को इस समय बिलासपुर के लिए रवाना किया गया है। इसके बाद गौरिल्ला ले जाएगा जहां जोगीसार में उनका अंतिम संस्कार 3 बजे के आसपास किया जाएगा। इस बीच उनके पुत्र अमित जोगी ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तस्वीरें देखिए आप, जगह जगह उनके पार्थिव देह को रोका गया, लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपनी संवेदनाएं अजीत जोगी के लिए पेश की। तो जोगी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी खासियत रही है उनका त्वरित फैसला लेना। वैसे तो कई सियासी घटनाएं जोगी के बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसे वाक्य से जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये बात है साल 1978 की, जब अजीत जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के कलेक्टर हुआ करते थे। एक बार एक काम से अजीत जोगी अमरकंटक के दौरे पर थे। यहां पहुंचने पर पता चला कि हिमालय से एक साधु आया है और एक पेड़ के नीचे कठोर तप कर रहा है। कुछ भी हो जाए वो वहां से हट नहीं सकता। अजीत जोगी ने भी ये बात सुनी और उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आसपास के इलाके में दौरे पर निकल गए। शाम को जब वापस लौट रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगली इलाके में रात गहराने लगी और बारिश भी इस कदर तेज हुई कि रास्ता तक दिखाई न पड़ रहा था। आखिर अजीत जोगी ने एक पेड़ के नीचे कार रोकी और तभी सहसा जोगी को याद आया कि सुबह लोग एक साधु के बारे में बात कर रहे थे। उनके मन में कौतूहल हुआ कि इस बारिश और ठंड में क्या अब भी वो साधु तपस्या कर रहा होगा। अपने साथियों से चर्चा के बाद उन्होंने इस जगह जाकर इस बात की पुष्टि करने की ठानी। जोगी जब वहां पहुंचे तो पाया कि साधु उसी स्थान पर तपस्या में लीन है। उस वक्त जोगी वहां से रेस्ट हाउस लौट आए, लेकिन अगले दिन सुबह वो उसी जगह पर पहुंचे। उन्होंने साधु को अपना परिचय बताते हुए इस कठोर तपस्या की वजह और कहां से आए हैं ये पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि वो वहां पर एक आश्रम बनाना चाहते हैं। अजीत जोगी ने उसी वक्त जेब से सिगरेट की डिब्बी के भीतर लगे एक चमकीले रैपर को निकाला और आश्रम के लिए जमीन आवंटन कर दी और खुद कदम से चलकर जमीन की नपाई भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने साधु से इस आश्रम में आदिवासी बच्चों को रखने का वायदा भी लिया। बाद में यही जगह कल्याण आश्रम के तौर पर प्रसिद्ध हुई। ये स्थान आज की तारीख में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक में एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर स्थापित है। सन 1978 में जोगी जी जब शहडोल के कलेक्टर थे, उस समय बाबा जी के पास में, बाबा जी उस समय में खुले आसमान के नीचे रहा करते थे, धुना के नीचे में। बाबा जी से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है एक सिगरेट के कागज में जो है इस जमीन को, जहाँ जहाँ आज कल्याण सेवा आश्रम को आप विस्तार देख रहे हैं, तो ये जमीन जो है उन्हीं की देन है। और बाबा जी के बड़े प्रेमी थे, हम लोगों के भी बड़े प्रेमी थे जोगी जी। अमरकंटक का कल्याण आश्रम अजीत जोगी की दृढ़ इच्छा शक्ति और वादा को पूरा करने की जो उनकी पहचान थी उसके रूप में देखा जा सकता है। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। सभी प्रकार की कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग, ब्लड कैंसर व पैट स्कैन के लिए संपर्क करें। और गोयल टीएमटी आपके घर को दे लंबी उम्र। पतंजलि लेकर आया है ताजे फलों के रस से भरपूर पतंजलि फ्रेश फ्रूट जूस। अब बस प्यास बुझाइए, एनर्जी बढ़ाइए। कोरोना के साथ और इसके बाद कैसे और कितनी बदलेगी जिंदगी, और कैसे सबर, खबर, नजर और जिगर के साथ इस ब्रांड न्यू लाइफ की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। जानिए मोटिवेशनल गुरु विजय बत्रा के साथ सोशल और डिजिटल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म IBC 24 ई महामंच पर। देखिए आज शाम 4 बजे।
डरना नहीं, लड़ना है। हारना नहीं, हराना है। डराना नहीं, जगाना है। मिलकर देश को जिताना है। सबसे बड़े दुश्मन को हराना है। सावधानी में बचाव है, सफाई में सुरक्षा है। समय पर जांच हो, सही इलाज हो, तो हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम। चैनल आईबीसी 24 अब और भी तेज और भी अपडेटेड, हर दो घंटे में सुपर फास्ट बुलेटिन। हर बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबरें देखें फास्ट मोड में, सबसे तेज अपडेट, घंटों की खबरें मिनटों में, तो देखते रहिए आईबीसी 24। बच्चों इस मुहावरे का मतलब बताओ। सर। हाँ बताओ। इस मुहावरे का अर्थ है किसी को हरा देना, जैसे कि पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट ने सारे विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट के दांत खट्टे कर दिए। सर इसीलिए पतंजलि दंत कांति बन गया है करोड़ों देशवासियों का भरोसेमंद हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग, अकरकरा, नीम, टुमरू, बबूल जैसे लाभकारी जड़ी बूटियां, दांतों को दे लंबी उम्र का वरदान। रोग होंगे दूर, मनोबल होगा मजबूत, मन होगा शांत, आरोग्य का मिलेगा वरदान। देखिए योगशाला स्वामी रामदेव जी के साथ रोजाना सुबह 6 बजे सिर्फ आईबीसी 24 पर। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया है। मैं माननीय अजीत जोगी जी को अपने और अपने परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। मेरा उनके साथ बहुत पुराना संबंध रहा है और आज हमारे सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि आज गौरेला में अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव देह को बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। बिलासपुर के बाद गौरेला ले जाया जाएगा। बिलासपुर में मारवाही सदन में उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा, जहां पर लोग उनके अंतिम संस्कार कुछ वक्त के लिए करेंगे। 3 बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और तमाम राजनीतिज्ञ बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी एक जनप्रिय नेता, लोगों के बीच में उन्होंने विशेष स्थान बनाया। और अपने जीवन काल की बात करें तो इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, आईपीएस, आईएएस, राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री तक, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या एक ही जीवन में इतना कुछ कर सकता है। अजीत जोगी ने वो कर दिखाया था। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का आग्रह हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। राज्य शासन ने कैदियों की पैरोल और जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था और इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह पर कैदियों की पैरोल अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया। दरअसल राज्य सरकार का तर्क है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर
कैदियों की पेरोल और जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए, क्योंकि जेल पहुंचने पर यदि किसी कैदी या बंदी में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो जेल में दूसरे कैदियों की मुसीबत बढ़ सकती है। इस मामले में पेरोल खत्म होने पर सरेंडर कर चुके कैदियों ने भी याचिका दायर कर अवधि बढ़ाने की मांग की थी। मामले पर हाईकोर्ट ने हाई पावर कमेटी को ऐसे कैदियों के संबंध में विचार करने का आदेश जारी किया है। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आ रही 12 साल की बच्ची जमलो मडकामी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है और मामले में कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश दिया है। इस संबंध में अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी और मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन और स्टेट लीगल अथॉरिटी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया था और आज सुनवाई के दौरान स्टेट लीगल अथॉरिटी ने हाईकोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया कि बच्ची की मौत पानी की कमी और थकान की वजह से हुई थी। इसके साथ ही अथॉरिटी ने यह भी बताया कि बच्ची सफर के दौरान चोटिल हो गई थी, इसलिए चोट भी बच्ची की मौत की वजह हो सकती है। अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से बच्ची के परिवार को 5 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया है। मनेंद्रगढ़ में पुलिस प्रशासन और व्यापारी संघों के बीच चालानी कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन इस बीच वो दुकानें भी खोले गए थे जिनको खोलने के आदेश नहीं थे। प्रशासनिक अमले को इस बात की जानकारी हुई तो मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की मदद से चालान काटने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चालानी कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारी संघ ने कार्रवाई बंद करने और चालान की गई राशि को वापस करने की बात कही। देर रात नगर पालिका के जिम्मेदार व्यापारियों और व्यापारियों के साथ हुई बैठक में राशि वापस किए जाने को लेकर सहमति बनी। वहीं कलेक्टर ने जिले में 1 दिन की साप्ताहिक बंदी रखकर 6 दिन दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन व्यापारियों का चालान न करे। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है सीएम साहब के और जिला प्रशासन में कोई देरी लेट संगति हुई है तो उसको समझाइश से काम लें, क्योंकि ऑलरेडी व्यापारी 60 दिन से बराबर सहयोग कर रहा है प्रशासन को, तो प्रशासन भी समझाइश से काम लें। इसलिए हमारा विरोध है कि चालान न कटे। केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। कर्मचारी संघों ने लंच का बायकॉट करते हुए सुरक्षा नीतियों के खिलाफ ताली बजाकर आक्रोश जताया। कर्मचारी नेताओं ने निर्माणियों के मुख्य द्वार पर एकत्र होकर नारेबाजी की। आयुध निर्माणी खमरिया ग्रे आयरन फाउंड्री सहित अन्य सुरक्षा संस्थानों के सामने आक्रोश जताया। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि भारत सरकार सुरक्षा संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है, जिसे वे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। और ये तय किया गया था कि हाई लेवल कमेटी से बातचीत होने के बाद इस निगमीकरण मैं फैसला लिया जाएगा। हम लोगों से किसी भी तरह की बातचीत ना करके इसको लागू कर दिया गया। सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को तकलीफ देने के लिए लंच का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निजी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की मान्यता 1 साल के लिए बढ़ा दी है और इनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी, जिसे स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते मान्यता का काम अटका पड़ा है, जिससे लेकर निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता आगे बढ़ाने की मांग की। लॉकडाउन के चलते इनकी परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने मांग मान ली। मान्यता बढ़ाने के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को आवश्यक निर्देशों और शर्तों का पालन करने के भी सख्त निर्देश दिए। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 2011 की सभी शर्तों का पालन करेंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीरा हत्याकांड में शहीद हुए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के सुरक्षा गार्ड शहीद सियाराम सिंह ने से लूटे गए AK-47 राइफल का इस्तेमाल बीते दिनों नक्सलियों ने राजनगांव में पुलिस के खिलाफ हमले में किया था।
इसका खुलासा रायपुर के पुलिस मुख्यालय नक्सल अभियान में हुआ है। वहीं से मुठभेड़ में नक्सलियों ने जिस एसएलआर राइफल का इस्तेमाल किया था वो साल 2012 में नक्सलियों ने किरंदुल में एनएमडीसी मैगजीन में हमला कर सुरक्षा गार्ड से लूटा था। बता दें कि 8 मई को राजनांदगांव जिले के मानपुर इलाके में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस से 4 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में पुलिस ने एक नग AK-47 राइफल, एक नग SLR राइफल और 2 नग 315 बोर की राइफल बरामद की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राइस मिलरों को गंदे पानी की निकासी और ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया था लेकिन रायगढ़ के 8 राइस मिलरों ने प्लांट नहीं लगाया। इसका खुलासा रायपुर में खाद्य विभाग की बैठक में हुआ। अब विभाग इन 8 राइस मिल पर तालाबंदी करने की तैयारी कर रहा है। तालाबंदी से पहले सभी राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया गया है। जिले के जय भारत राइस मिल, तिरुपति राइस मिल, अनुराग ट्रेडर्स, हनुमान ट्रेडर्स, रायगढ़ फूड्स, दुर्गा राइस मिल, प्रिया प्रोसेसिंग और कबीर मिल को नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा UTP लगाने के लिए जो सूचना मिला है जिले के उनको निर्देशित किया गया था कि वहाँ पर जो गंदा पानी निकलता है जो पर्यावरण के हिसाब से जहाँ पर पानी फैलता है उससे गंदगी फैलता है और बीमारियाँ होने का खतरा है, इसलिए उनको लगाने के लिए पर्यावरण विभाग ने निर्देशित किया था। जिसमें से कुछ ऐसे मिलर बचे हैं जिस पर पर्यावरण विभाग द्वारा कार्रवाई किया जाना है और उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए 24 के साथ। नमस्कार।